इरफान साहब आपने कभी नोट किया है पाकिस्तान की, आप दुनिया के किसी क्रिकेटर का मर्जी उठा के देख ले, गंगोली एक बार बोले कि दुनिया में सबसे ज्यादा पार्टी विकेट पाकिस्तान में बनती है। और मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई, खैर हम तो स्पोर्ट जल्दी से हम क्रिकेटर नहीं है, पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर, समी और सब ऐसे आसिफ और इतने बड़े बड़े बॉलर थे, तब भी हम पार्टी विकेट बनाते थे, तब हमारा कप्तान भी दिलेर था, इंजमाम उल हक हमारे कप्तान होते थे, 300 रन बना के गए सहवाग, सचिन तो गए 192 यहाँ पे, नाउ टूटा मुल्तान की पिच के ऊपर 309 रन किए मुल्तान की पिच पे, जहाँ पास सकलैन मुश्ताक भी था, जवाब शोएब अख्तर भी था, समी भी था, शबीर भी था जी। इससे बड़ा बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के हिस्ट्री में कब रहा है, तब भी आपने पार्टी विकेट बनाई है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान की मट्टी में ये चीज है कि पार्टी विकेट बनती है या बॉलिंग विकेट बन नहीं पाती है, भी डिफरेंट बना लिया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा भाई, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि चलें स्विंग आपकी खत्म होगी, विकेट डेड है, उनके बॉलर भी सेम स्विंग नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके बॉलर का हमें पेस 140 के करीब नजर आया, हमारा क्या मसला आया कि हमारे ये तमाम नसीम, शहीन, अमर जमाल या इवन खुरम भी थे, तला भी थे, किसी भी बॉलर का पेस, मीर समझा भी था, ये किसी का पेस 130 से ऊपर नहीं जाता, बड़ी वन ऑफ कोई डिलीवरी 130 से ऊपर चली जाती है, 90% ये इसी के राउंड रहते हैं 130 के। जब आपके बॉलिंग के अंदर जान ही नहीं होगी, पेस ही नहीं होगा, तो आप कैसे थ्रेटन करेंगे? आप शॉर्ट बॉल करते हैं, आप यॉर्कर की ट्राई करते हैं और डिफरेंट चीज़ें करते हैं, जब पेस ही नहीं होगा तो आप बॉलर को, एज ए बॉलर बैट्समैन को कैसे थ्रेटन कर सकते हैं? तो ये जो पेस का डिक्लाइन है, इसकी क्या रीज़न समझते हैं कि एग्जर्शन है, ओवरलोड है? जैसे अभी शाहीन ने बात किया कि जी मैं तो कोचिज़ की बात से इतफाक़ नहीं करता, हमें कोई ओवरलोड नहीं है, हम प्रॉपर जितनी क्रिकेट होनी चाहिए उतनी खेल रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारा तो कोई लड़का डोमेस्टिक खेलने को भी तैयार नहीं है, जो मैं रीज़न सबसे बड़ी समझता हूँ। अभी चैंपियन कप में सबसे ज़्यादा आउट किए हमने देखा कि हमारा जो बॉलर था उसने, स्नैन जो था, स्नैन ने पूरे अपने 8 साल इंटरनेशनल कैरियर के अंदर लिस्ट ए के मैचेस जो 4 डे है वो सिर्फ 7 खेले हैं। अगर मोहम्मद स्नैन 7 मैचेस खेल के आप उसको अपना प्राइम बॉलर कह रहे हैं या कह रहे हैं जी सबसे बेस्ट वो है, तो फिर आप किस तरह बाकियों को मैसेज देंगे? और जो टीम में एक मैच भी खेल लेता है ना, वो अपने आप हराम समझता है कि मैंने जाके अब डोमेस्टिक खेलना है। तो आप इसका क्या वे फॉरवर्ड सकते हैं? इरफान भाई इस वक्त हारिस ट्रॉफ कहाँ पे है? अभी चैंपियंस कप खेल के गए ना, अभी चल रहे मैचेस डोमेस्टिक के, क्यों नहीं खेल रहे वो? क्योंकि चैंपियंस कप पे सबकी नजर थी, उसके चेयरमैन साहब ने कह दिया यहाँ टीम हम यहाँ से बनाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, वो कह उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया जी मैं रेड बॉल भी खेल के जाऊंगा, अब डोमेस्टिक हो रहा है, लिस्ट ए का मैच खेले ना, क्यों नहीं खेल रहे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सख्ती करनी पड़ेगी कि भाई जो नहीं है टीम के साथ नहीं है, उनको पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगी। बात आकर ठीक है, मगर शहीन नसीम के मामले में मुझे जाती तौर पर ये लगता है, शहीन कह रहे हैं ना जो कि वर्कलोड का मुझे कोई मसला नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि वो जो सच अपने अंदर छुपा के बैठे हैं वो मीडिया के सामने बोल रहे हो, वो ये नहीं ऐसा करे, कैसे हो सकता है? नसीम शाह शहीन अफरीदी दुनिया के तमाम फास्ट बॉलर से, हमारे गिलेस्पी कह रहे हैं इससे पहले वहाब रियाज ने कहा कि दुनिया के तमाम फास्ट बॉलर्स की निस्बत डबल बॉलिंग की है, तो कैसे वर्कलोड नहीं है उनके ऊपर? 100% उनके ऊपर है। और एक और मजे की बात, उनका डिबैकल भी 2022 से हुआ जब वो 80% फिट थे, आपने उनको वर्ल्ड कप खिला दिया, जो आपने पेस की बात की है, आप बुमराह का देखें, बुमराह इतनी बड़ी इंजरी के बाद आए उनका पेस गिरा नहीं गिरा, मैच ज्यादा इंजरी के बाद आए उनका पेस गिरा नहीं गिरा, हमारे हसन अली इंजरी के बाद आए उनका पेस गिरा, यस गिरा, शहीन अफरीदी इंजरी के बाद आए उनका पेस गिरा, एग्जैक्टली गिरा। आपको मजे की बात बताऊं, आपके इस वक्त अरशद इकबाल अकेडमी में बैठे हैं, जशान जमीर बैठे हैं, एहसानुल्लाह का तो चैप्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लोज कर दिया, इसलिए वो चीख रहा है कि भाई मेरी ट्रीटमेंट करवाएं। जशान जमीर और अरशद इकबाल कतर के अंदर उनकी ट्रीटमेंट कराई, जिस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की उसने बोला कि एक माह इनको यहां रहना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अकेडमी का पैनल है उन्होंने बोला कि नहीं आप हफ्ता रखें और हमें बता दें, हम बाकी सारी अरेंजमेंट हम खुद ही इधर करवा देंगे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर एक भी फिजियो नहीं है इस वक्त, कोई डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर बैठे हैं वो ऑनलाइन करते हैं। आप बॉलर्स को आपको कैसे लुक आफ्टर करना है? हमें ये हम बीइंग पाकिस्तानी या आम लोग ये समझते हैं कि क्रिकेटर मेहनत नहीं करते, जो मैं भी कहता हूं आप भी कहते हैं, मगर ये वो दुनिया के मुकाबला करना है तो उनका सीख भी लें उनसे। आप बेस्ट डॉक्टर इंडिया के पास पड़े हैं जो मेडिकल स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर है, बेस्ट है उनके वहां पर, पाकिस्तान के अंदर कौन है? इससे पहले जो था वो बच्चों का डॉक्टर था, उससे पहले जो था वो रीहैब सेंटर की, मैंने चेयरमैन साहब से 2-3 दफा बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा जी इस पे काम करें। कोई हमारे नेशन में कोई मसला है या प्लेयर के अंदर कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि हर प्लेयर का कैरियर देखेंगे ना तो वो टॉप से शुरू होता है और जब डिक्लाइन कह लेंगे 5-6 साल के बाद वो सर्टेन चीज़ें कुछ अचीव कर लेता है तो उसके कैरियर में डिप आ जाता है, डिक्लाइन आ जाता है। किसी का भी आप कैरियर उठा लें, आप फ़खर का उठाएं, शादाब का उठाएं, हसन अली का उठाएं, इमाद का उठाएं, यू कैन नेम इट, शाहीन का उठाएं, नसीम शाह का उठाएं,
तो ये एज ए नेशन क्या मसला है कि दुनिया के प्लेयर इम्प्रूव करते हैं ग्रेजुअली, हमारे प्लेयर जो हैं वो वक्त के साथ, मैं मुझे तो लगता है कि शायद कुछ ना कुछ जब अचीव कर लेते हैं तो वो कहते हैं आप मेहनत छोड़ दें, आप बस ख़त्म, दैट्स द लाइफ, ये हमने जो करना था कर लिया। जाके दुनिया में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती, सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी, इवन आपको भारत और शायद बांग्लादेश में भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इरफान भाई नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे हम ज्यादती करते हैं। आप एक चैनल पे बैठे हैं, बाकी चैनल्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, हर एक का कल्चर डिफरेंट है। अगर आपके चैनल में ही आपको गिराने की कोशिश की जाए, खुद बड़ा होने की कोशिश की जाए, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी आम मेरी एग्जांपल ले लें, तो आपको एनवायरमेंट कंड्यूसिव नहीं मिलेगा, आप कैसे ग्रो करेंगे? आप जितने मर्जी कॉम्पिटेंट है कैसे ग्रो करेंगे? आपको प्राइम टाइम नहीं मिलेगा, अगर आपको किसी ने ओब्लाइज करना आपको प्राइम टाइम देगा, आपको छोटी मोटी ब्रेकिंग के ऊपर आपका प्रोग्राम नहीं कट करेगा। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पाकिस्तान का सिस्टम आप देखिए, यहां पर फखर जमान चेयरमैन के सामने बैठ के एक क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर की शिकायत कर रहा है, क्या बना उसका? क्या देखिए, अगर वो क्रिकेटर कर रहा हो जिसकी जो कंट्रोवर्शियल हो, फॉर एग्जांपल आप उमर अकमल या एम एस साहब को अमूमन हम लोग इस तरह परसीव करते हैं, वैसे मुझे ज्यादा पे लगता है हमने उनको भी उद्नाम किया, पर परसीव करते हैं। फखर जमान तो वैसे क्रिकेटर नहीं है, आज तक जितना क्रिकेट खेला उन्होंने कोई एक कंट्रोवर्सी बताएं नहीं है। जब वो कंप्लेन कर रहे हैं तो आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? कोई एक्शन नहीं लिया। यानी एक क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर जो 13 वो पाकिस्तानी क्रिकेटर को नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब कर रहा है कि वो बंदा यहां से जाता है वेस्टइंडीज में, वहां पर पहुंचता है, उनको बोलता है कि आपने कट करे और वापस आ जाए, जबकि परमिशन आपने जितनी दिया उसको वहां खेलने दे, आपकी गलती, आपने परमिशन पहले क्यों दी है? वो बिग बैश खेलने जाता है, आप उसको वापस बुला लेते हैं, फिर जिस दिन वापस आता है अगले दिन आप उसका फिनर टेस्ट लेते हैं। आप तंग कर रहे हैं ना किसी प्लेयर को, या आपको खुद को पता ही नहीं है कि ये प्लेयर इन चीजों से नहीं गुजर सकता जहां से आप उसको गुजार रहे हैं? आपका जो मन में आता है, आप जो कंपेन चली पूरी की पूरी शहीन के खिलाफ, बाबर आजम के खिलाफ, क्रिकेट बोर्ड ने इस पर क्या किया? क्रिकेट बोर्ड के माथे पर जू तक नहीं रिंगेगी जब तक क्रिकेट बोर्ड के किसी अपने ऑफिशियल पे तनकीद ना हो। क्रिकेटर्स में करते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो मर्जी करे, सुबह शाम बैठ के पाकिस्तानी यूट्यूब के ऊपर बैठ के और टीवी पे बैठ के और क्रिकेटर्स बैठ के गालियां करते हैं बाबर आजम को, दे रहे हैं, क्या करता है क्रिकेट बोर्ड उनके ऊपर? कोई बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि चेयरमैन साहब इंटेंशनली चाह रहे हैं कि क्रिकेट हमारी गिर जाए, वो चाह रहे होंगे क्रिकेट ऊपर उठे, मगर जो पैरामीटर चाहिए, जो मेजर्स चाहिए, वो क्या ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं। आप उन्होंने पहला सारा कुछ उठाकर वहावरेस पे डाल दिया, सबने कहा वो कॉम्पिटेंट नहीं है, चेयरमैन साहब ने बिलीव नहीं किया, टीम तबाह होकर रही, उसके बाद उठाकर उन्होंने फिर एक दो बंदों के ऊपर डाल दिया, वही हुआ। अब शदाब का नाम क्यों आ रहा है कप्तानी को लेकर? मैं ये नहीं कह रहा मैं शदाब के खिलाफ नहीं हूं, मगर शदाब को पहले वही आपने जो बोला सीमेंट करनी पड़ेगी अपनी जगह प्लेइंग 11 में। पाकिस्तान के अंदर तो लॉबी चल रही होती सब चीजों को लेकर, मैं तो ये कह रहा हूँ चैंपियंस कप के अंदर वो कप्तानी की उन्होंने शदाब ने, ठीक है ना? आप तो बात कर रहे थे कि शदाब को तो पहले डोमेस्टिक में खेलना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और शदाब की टीम के अंदर आपने मीर हमजा वो उसामा मीर भी डाला हुआ था, दोनों लेग स्पिनर डाले हुए थे आपने, और डालने का फायदा क्या हुआ जो परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहे हैं क्या आप उसको डालते नहीं? अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, आप ऑब्वियसली आईसीसी हेडक्वार्टर के पास हैं और आईसीसी का जो इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी, उसके ऊपर सबकी नजरें हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, जब मैं तो अक्सर ये चाहता हूँ और दिल से ख्वाहिश है कि जहाँ मोहसिन नकवी साहब ये काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं, तमाम जितने भी स्टेडियम हैं उनकी रेनोवेशन की बात की जा रही है, अपग्रेडेशन की बात की जा रही है, उसके पैरेलल टीम की तरफ भी उनका फोकस होना चाहिए। एक तो बड़ा मैं स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ और आप भी ज़रूर करेंगे कि स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं कि एक लंबा टाइम चेयरमैन देगा तो नीचे सिस्टम डेवलप होगा, बट अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब सब ने कहना शुरू कर दिया, शुरू में किसी ने बात नहीं की, अब कह रहे हैं कि जी उनके पास टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं दे पा रहे। एक तो आपका उनके वाले से क्या ओपिनियन है कि वो कैसा काम कर रहे हैं और क्या आपके ख्याल में उनको लंबा चलना चाहिए, और सेकेंडली भारत पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा? ये तो बात चले कन्फर्म है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, बट उसके लिए हाइब्रिड मॉडल की अभी भी बात हो रही है, और जय शाह जैसे आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो आपके ख्याल में क्या सोर्सेज आपके बताते हैं, क्या न्यूज़ है इस वाले से? इरफान भाई इसमें तीन स्टेक होल्डर है, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, एक बीसीसीआई है, तीसरा ऑफकोर्स आईसीसी है। तीनों की तरफ से अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है इसके ऊपर, मगर जो नौशता दीवार है, दीवार पे लिखा है कि भारत आज के दिन तक शायद ना आ पाए, कि वो नहीं आएगा आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे जयशंकर साहब आ रहे हैं यहाँ पर एससीओ की मीटिंग के लिए, मगर वो पॉलिटिकल कंसर्न है और वो इलाका ही एक तंजीम है उसके ऊपर वो आ रहे हैं। आई डोंट नो कि उसके बाद वो टीम को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। उनका आना साइलैंड के ऊपर आज के दिन तक कोई मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई मुलाकात नहीं है, वो खाली एससीओ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं। सिर्फ उसी मीटिंग में होकर वो वापस चले जाएं, कोई स्टेटमेंट नहीं दें, तो मुझे लगता है कि वो रूखा काम रहेगा और शायद भारत का अभी तक ये लग रहा है कि वो नहीं आ पाए। तो सुना भाई क्या हम क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी ताकत,
पाकिस्तान को क्या चाहिए नहीं डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एशिया कप खेलने जाना है, वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो हम उस पर कोई प्रेशर बिल्ड करें इनके ऊपर, इन दो चीजों के ऊपर बार्टर करें? देखिए इरफान साहब, यहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ऑल आउट खेलना पड़ेगा, इस पे कोई शक नहीं। 90% स्पॉन्सर्स इंडिया से आते हैं, सब चीजें हैं, मगर वो पाकिस्तान इंडिया का मैच इसलिए रखा जाता है कि सबसे धांसू पैसे यहीं से ही आते हैं, सबसे महंगे जो राइट्स है इसलिए बिकते हैं, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, एशिया कप सब पाकिस्तान इंडिया मैच के साथ शुरू होता है। अदरवाइज नहीं, आप 2007 आईसीसी की हिस्ट्री का सबसे बुरा वर्ल्ड कप था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ था। 2009 में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ था, तो वार्म अप मैच पाकिस्तान इंडिया का रख दिया था इन्होंने। तो पाकिस्तान इंडिया आईसीसी भी समझता है, बीसीसीआई को भी पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो शायद नहीं पता कि इनकी अपनी ताकत कितनी है, कि इंडिया बहुत मजबूत है, बहुत फाइनेंशियली रिच है, मगर पाकिस्तान अगर हाथ नहीं मिलाएगा तो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आपको आप अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में, आपको चैंपियंस ट्रॉफी तो खेलनी है, आपका अपना मिल रहा है, आपको खराब नहीं करना, वो बच्चों वाली या गली मोहल्ले वाली क्रिकेट नहीं, कैसे भी नहीं जाने, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप खेलिए, दुबई में खेलना, जहां पे भी खेलना खेलिए, फिर जब एशिया कप होगा, फिर जब उनके वर्ल्ड कप की बारी आएगी तो हम भी नहीं जाएंगे, फिर इसके ऊपर खड़े होना है। ऐसा ना हो कि पहले भी 2-3 बार हमने स्टेटमेंट तक जरूर दी मगर हमने फिर उस पर अमल नहीं किया, फिर आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि हम भी नहीं आ रहे। और लास्टली आपसे जानना चाहूंगा मोहसिन नकवी साहब के रोल के ऊपर, क्या वो ये कर पाएंगे और उनके आप टेन्योर को कैसे देखते हैं, इस हवाले से लास्टली बताइएगा प्लीज। सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इससे ज्यादा मजबूत चेयरमैन और क्या हो सकते हैं, कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और एक स्ट्रॉन्ग मतलब पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। वो जो मन में है, जो दिल में है, वो कर सकते हैं। वो चेयरमैन नहीं है जिनको किसी से पूछना पड़ेगा, वो खुद ही सब कुछ डिसीजन मेकिंग पोजीशन के ऊपर खड़े हैं, तो उनको करना चाहिए। अगर वो पहली बात तो ये ना कि इंडिया अगर नहीं आता उसके बाद की ये कहानी है, तो चेयरमैन साहब को मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए। और जहां तक मुझे पता है और आपको भी मालूम होगा कि चेयरमैन साहब अपनी जो अपने ऑफिसेज की मीटिंग है उसमें वो कह चुके हैं कि हम वेट करें कि भारत आए, और वो होपफुल है कि भारत आएगा, अगर नहीं आएगा तो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिप्लाई जाएगा और इस बार जाएगा, जो चेयरमैन साहब अब तक अपना माइंड बना के बैठे।